गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10 साइंस के पहले टॉपिक केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? पहले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो इस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, और उस फिजिकल चेंज को दर्शाते समय वो फिजिकल चेंज अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो फिजिकल चेंज दिखाते समय जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने लिखा H2O, अगर बगल में सॉलिड लिखा तो ये आइस हो गया, और प्रोडक्ट की तरफ H2O के साइड में L लिक्विड लिखा तब ये वाटर है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई नई चीज नहीं बनती है, सिर्फ मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये जो चेंज है दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। लेकिन अब कोई भी ऐसा चेंज जैसे वाटर को आपने डिकम्पोज करके ब्रेक करके H2 और O2 प्रोड्यूस किया, यहां पे देखिए रिएक्टेंट के साइड में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और प्रोडक्ट की तरफ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो अलग है। जिसमें फॉर्मूला अलग होते हैं तो उस तरह के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। इसके अलावा जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें हीट का चेंज जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, फिजिकल चेंज में कम होता है। तो इस तरह से डिफरेंसेस है दोनों में, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं। यहां हमें केमिकल रिएक्शन की चर्चा करनी है। तो जो भी ये केमिकल चेंज है तो केमिकल चेंज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। तब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, क्लास 10 के टॉपिक के पहले पार्ट में। देखिए, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने कहा कि देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर थर्मली डिकम्पोज किया जाएगा, मतलब ऑन हीटिंग अगर इसे ब्रेक करते हैं तो इसके ब्रेकिंग के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्टेंट के साइड का फॉर्मूला अलग है, प्रोडक्ट के साइड में फॉर्मूला अलग है, नए सब्सटेंस आपके पास प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरह का केस, जबकि नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी वाले प्रोड्यूस होते हैं पुराने सब्सटेंस से, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, आयरन में रस्ट लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब के सब केमिकल चेंजेस हैं। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ इक्वेशन लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया तो यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी क्लोराइड के साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मूला बदले हैं, कंपोजिशन बदला है, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। आगे केमिकल रिएक्शन की जो विशेषता है, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज न्यू कंपाउंड विथ न्यू केमिकल फॉर्मूला, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मूला जो है वो रिएक्टेंट के फॉर्मूला से अलग है। दीज रिएक्शन रिक्वायर ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे समझें, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के मदद से हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस किया, अब हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, आयोडीन के मॉलिक्यूल में भी आयोडीन का दो एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, और HI में H और I के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल क्या हुआ होगा, पहले ये HLH का बॉन्ड टूटा होगा,
आई और आई का बॉन्ड भी ब्रेक किया होगा और एच और आई के बीच में नए बॉन्ड बने होंगे, तो पुराने बॉन्ड का टूटना नए बॉन्ड का बनना ये केमिकल रिएक्शन का फीचर है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज डिफिकल्ट टू ऑल्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को बदलना ये डिफिकल्ट है। जैसे मान लीजिए आपने H2 और I2 से यहाँ HI बनाया, तो इस फॉर्मेट में इसी कंडीशन में दूसरा रिएक्शन नहीं होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं वाइल कैरिंग आउट द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके की एनर्जी में परिवर्तन होगा। अब नेक्स्ट में देखिए, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स हम लोग चुनते हैं जिसके आधार पर केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आप मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, अब चेंज इन स्टेट को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि आपने कोई रिएक्शन लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लीजिए, ये सॉलिड के स्टेट में होता है, इसको थर्मली जब डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड है, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो देखिए रिएक्टेंट की तरफ गैस नहीं था, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुआ है, तो यही चेंज इन फिजिकल स्टेट या स्टेट है। चेंज इन कलर, तो कई केसेस में चेंज इन कलर दिखते हैं, जैसे अब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो आपको जिंक का सल्फेट और कॉपर सेपरेट आउट होगा, और अब ये जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो वाइट कलर का होगा, यानी ब्लू से वाइट होना ये कलर का चेंज है। तो रिएक्शन में आप देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आप बहुत सारे रिएक्शन की चर्चा करेंगे, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन से जब अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर में कमी आती है, तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर है। जैसे हमने लिखा यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो आप देखिए पहला ही रिएक्शन जो हमने लिखा है उसमें गैसेस इवोपरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से तरह तरह के फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, पहला हमने यहां मेंशन किया है फिजिकल कांटेक्ट, यानी रिएक्शन हो उसके लिए जो केमिकल्स हैं मतलब रिएक्टेंट हैं उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, दूसरे कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन लिया, जब तक दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे नहीं, यानी दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे नहीं, तब तक ये रिएक्शन कैरी नहीं होगा। यानी लाइफ लॉन्ग अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के सॉल्यूशन को अलग अलग कंटेनर में रखें तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगला देखिए हीट, बहुत सारे रिएक्शन जैसे हमने लिखा है मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी हीट को एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन होते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए पहला रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट टूट करके KCl और O2 दे रहा है, टेम्परेचर के चेंज को बताने के लिए हम लोग डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। ये जो डेल्टा है ये इंडिकेट करता है हीटिंग या रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। उसी तरह से आयरन सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे और ये आयरन के सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, ये सब हीट के प्रेजेंस में होता है। अगला देखिए लाइट, ऐसे रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे ये तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से सलराइट के प्रेजेंस में ये आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट को दिखाने का जो सिंबॉल आप यूज करते हैं वो सिंबॉल H𝛎 का है, ये न्यू जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कहते हैं, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है जो हायर क्लासेस में आप सीखेंगे। आगे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, द केमिकल रिएक्शन इन विच पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे वाटर को डिकम्पोज करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, या एल्यूमिनियम
ऑक्साइड डिकम्पोज करके एल्युमिनियम और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा भी किया जा सकता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके अलावा देखिए, द सब्सटेंस विच एक्सलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट, जैसे KClO3 जब डिकम्पोज करे KCl और ऑक्सीजन में तो नॉर्मली इसके डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो स्लो है, लेकिन जैसे ही आपने MnO2 की थोड़ी सी क्वांटिटी रखी, ये कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को एक्सलेट करना, यानी रिएक्शन के रेट को ये बढ़ाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप एडिशनल सब्सटेंस को यूज करते हैं, उसके अमाउंट में फर्क नहीं होता है, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट करने के बजाय स्लो कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। उसे कहा जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट, या दूसरा नाम है उसका इनहिबिटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज करके H2O और O2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहीं पे आपने कोई अल्कोहल लाइक इथेनॉल यूज किया तो उस केस में ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इथेनॉल की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होगा, इथेनॉल की जितनी क्वांटिटी आप स्टार्ट में लेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इस तरह का सब्सटेंस कहलाता तो कैटलिस्ट है, लेकिन जो रिएक्शन को स्पीड करे उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को कम कर दे उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोड्यूस्ड होता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन लिखिए, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे कॉमन रिएक्शन होता है, इससे प्रोड्यूस करवा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट की तरफ आपने लिखा तो ये रिएक्टेंट है, और राइट साइड में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शंस आर शोन बाय केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको दिखाने के लिए आप इक्वेशन यूज करते हैं, उस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके सिंबल या फॉर्मूले लिखे रहते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहां भी हमने वही लिखा है कि केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, द नेसेसरी कंडीशन एज लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर कंडीशन, या यूज ऑफ कैटलिस्ट, इन सबको एरो के ऊपर लिखते हैं, वो एरो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहां हमने दो फॉर्मेट कॉमन मेंशन किया है, एक है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है सिंबल इक्वेशन। अब अगर पहले वर्ड इक्वेशन में जाएं, अब वर्ड इक्वेशन इज दैट इक्वेशन व्हिच लिंक्स टुगेदर द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, अपने लिखा कि सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये स्टेटमेंट है रिएक्शन का। अब सोडियम मेटल को आपने यहां दिखाया सोडियम से, सोडियम मेटल को दिखाया है सोडियम से, यहां वाटर के लिए वर्ड यूज किया वाटर। अब इस रिएक्शन के बीच में एक ये एरो डालते हैं, और प्रोडक्ट के साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहां सिर्फ हमने जो है वर्ड यूज किया है, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जिंक का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो इसको वर्ड इक्वेशन कैसे लिखिएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो ये इसका वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन का विशेषता फिर से देखिए, यहां पे सिंबॉलिकली ये जो सिंबल है इसके बजाय यहां हमें एरो यूज करना पड़ेगा। तो सोडियम और वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें आप सोडियम और वाटर को रखे हैं, ये रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बीच में पॉजिटिव साइन से उसको सेपरेट करते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट को एरो के राइट हैंड साइड में लिखते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है बीच में प्लस का साइन डालते हैं। ये जो बीच में एरो डाला हुआ है, ये एरो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डालते हैं, जो रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं। अगला ये सिंबल इक्वेशन है। सिंबल इक्वेशन में जो है क्या किया जाता है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उसके फॉर्मूला और सिंबल को यूज किया जाता है। इन द सिंबल इक्वेशन द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर रिटन इन द प्लेस ऑफ देयर वर्ड इक्वेशन। तो याद कीजिए, सोडियम मेटल है तो सोडियम का सिंबल है Na, वाटर के लिए सिंबल लिखते हैं H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सिंबल है NaOH और H2 ये हाइड्रोजन के लिए। और यहां भी क्या किया गया है कि जो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है उसको प्लस के साइन से सेपरेट किए, बीच में एरो डाले, प्रोडक्ट जो एक से ज्यादा बने हैं उसको भी हम लोग प्लस के साइन से सेपरेट आउट करते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन, तो चूंकि एक बैलेंस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की संख्या हर एक एलिमेंट की बराबर हो, लेकिन अगर एटम की संख्या डिफरेंट हो तो वैसे केस में वो रिएक्शन अनबैलेंस इक्वेशन है। जैसे यहां पर देखिए, Mg का एक एटम तो दोनों तरफ दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट में दो एटम दिख रहे हैं, क्लोरीन का एक एटम है और यहाँ प्रोडक्ट में क्लोरीन के दो एटम है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो यहां तक हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड की शुरुआत जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के सेक्शन से करेंगे। अब हम क्वेश्चन विंडो पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन इज ए शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल chemical equation is a short form representation of a chemical reaction using। तो जब भी आप chemical reaction लिखते हैं उसमें reactant और product को use किया जाता है। जैसे हमने सीखा कि left hand side में reactants रहेंगे, right hand side में products रहेंगे और उसको एक arrow से separate करेंगे, तो यहाँ पे reactant और product लिखना चाहिए, जो option number D में दिख रहा है। दूसरा में देखिए, some chemical reaction are called as photochemical reaction। तो जो भी photochemical reactions हैं वो light के presence में होते हैं, तो heat, light, current और pressure में लाइट का ऑप्शन लाएंगे। अगला देखिए, अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। तो ये सब्सटेंस जो है कैटलिस्ट होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन के अंत में उतनी ही क्वांटिटी में वो रिकवर्ड होगा जितनी क्वांटिटी आपने शुरुआत में ली है, लेकिन ये रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, जो बढ़ाता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कैटलिस्ट होगा। अगले में देखिए, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इज मोर इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये KClO3 जब डिकम्पोज करता है तो इस केस में मैंगनीज डाइऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो मोर ऑर लेस डिफरेंट रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड कैटलिस्ट होते हैं। तो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट MnO2 है, जो आपको याद रखना होगा। द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही करंट आपने यूज किया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपको हीट या टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा और कैटलिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिंबल इक्वेशन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सिंबल इक्वेशन है? तो देखिए, पहले में CO2, H2O, ये ग्लूकोज, O2 सारे एलिमेंट या कंपाउंड के सिंबल सही हैं। H2O से H2 और O2 ये भी सिंबल सही है। Al2O3 से Al और O3। और याद कीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये ओजोन प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब सी वाला पार्ट गलत है और आपको इनकरेक्ट एंट्री लेनी थी, तो आंसर सी होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया, ये भी सिंबल वाइज सही है, तो आंसर इसका सी का पार्ट। नेक्स्ट में देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंबल इक्वेशन इनटू वर्ड इक्वेशन। यानी ये जो सिंबल वाले इक्वेशन है इसको वर्ड के इक्वेशन में चेंज करना है। तो एक बार जल्दी से मैं बोल देता हूं, तो बताइए वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? पोटेशियम क्लोरेट
जो है उससे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा, यानी यहां लिखना है पोटेशियम क्लोरेट वर्ड में, पोटेशियम क्लोरेट, और प्रोडक्ट के साइड में लिखिएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऐसे ही आयरन प्लस सल्फर से आयरन सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर, इससे बनाएंगे फास्फोरिक एसिड। अब अगला देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इन द सिंबॉल इक्वेशन। आपको सिंबॉल लिखने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जिंक है तो जिंक का सिंबॉल डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबॉल है AgNO3, यहां से प्रोडक्ट के साइड में जिंक नाइट्रेट और इसके साथ सिल्वर बाहर निकलेगा। फिर देखिए अगले सवाल में एल्युमिनियम, तो सिंबॉल हो गया Al, कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl2 लिखेंगे, एरो यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3 और कॉपर। फिर अगला देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, बीच में एरो डालेंगे और ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। अभी हम लोगों ने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया है, अनबैलेंस फॉर्म में है। और अगला ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो सवाल मैं आपके इससे छोड़ देता हूँ, जिसका डिस्कशन हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके जिम्मे। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं खत्म करता हूँ, आप सबों का धन्यवाद। इसी तरह से हमारे क्रिएटर Super30 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ASMS की ओर से ये जो प्रसारण होते हैं उसको देखते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।